हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट। तो ये न्यूज़ थोड़ा मुझे रिसर्च करना था, इसलिए मैं थोड़ा लेट बना रही हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बस इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए नोटिफिकेशन एकदम एग्जैक्ट पाने के लिए। शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया में होगा सबसे बड़ा बदलाव। अब क्या होगा कि ये जो आप लोग पढ़ते थे, आप लोग कितने भी मार्क्स आते थे, फिर भी आपको क्या होता था कि जॉब मिल जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा। सीटेट के अकॉर्डिंग आपके 60% उसको वैरी करेंगे, यानी कि आप कहीं भी जाते हो जॉब के लिए तो आपको दो कैटेगरी के मार्क्स मैटर करेंगे। 60% आपके सीटेट को मिलेगा कि आप सीटेट पास हैं, तो 60%। फिर 40% आपका क्या है, जो योग्यता है, शैक्षिक योग्यता, यानी कि बीएड जो आप कर रहे हो उसका वेटेज, अगर अच्छे मार्क्स आते हैं तो 40% उसका वेटेज पड़ेगा, मतलब 100% टोटल। तो आप समझ सकते हो कि अगर आपके मार्क्स 70, 80 और 80% होंगे तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पे अगर आपके जिसका 50% होगा उसको ना देकर आपको ही जॉब देगा। तो मार्क्स बहुत मैटर करता है। तो ये बहुत ही बड़ा बदलाव है। वैसे ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन चलिए कोई नहीं। शिक्षक भर्ती में TET, STET पर 60% वेकेट है। एकेडमी को यानी कि 10th, 12th, ग्रेजुएशन, इन सब के वेटेज को 40% दिया गया है। तो यहाँ पे सातवें चरण की भर्ती, जब भी 60% शैक्षणिक योग्यता जिन लोगों का फर्स्ट शुरू से लेकर अंत तक फर्स्ट है, उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों का शुरू से लेकर अंत तक अगर सेकेंड डिवीजन है तो ये उन लोगों के लिए थोड़ा घाटे का सौदा हो सकता है। खैर, यहाँ देखिए कैसे होगा भर्ती का नया फार्मूला क्या होगा। कक्षा 1 से 5 में मैट्रिक इंटर प्रशिक्षण के कुल प्राप्त अंकों को 3 से भाग देने पर कुल मेधा अंक आएगा। यानी सोचिए, मैट्रिक में 60% है आपके, अगर इंटर में भी 60% है तो टोटल 120% हुए, 3 से डिवाइड दीजिएगा तो 40%, यानी कि आपका 4 क्रेडिट बनता है। यह क्या होता है, क्रेडिट स्कोर होता है, तो जो कि 4 बनता है। इसका 40% निकालेगा बीटेट या सीटेट में कुल अंकों का 60% निकालकर और जोड़कर ये फाइनल मेधा सूची बनेगा, जो आपका सीटेट में होगा, बीटेट में होगा, बहुत सारे होता है। फिर 6 से 8 के लिए क्या रूप है, स्नातक और प्रशिक्षण यानी कि ग्रेजुएशन और आपका जो ये बीएड का जो कुल मार्क्स होगा उसको आपको जोड़कर और आपको 2 से डिवाइड दिया जाएगा और इसका 40% निकाला जाएगा। फिर टीईटी का 60%। चलो अब आते हैं, ग्रेजुएशन में आपके 70% है, बीएड में अगर आपके 80% आए तो 15 आए, 3 से इसको डिवाइड, 2 से इसको डिवाइड, 75%, यानी कि जाहिर सी बात है कि आपका चांस सबसे पहले बनेगा। तो फिर टीईटी के कुल अंकों का 60% निकाला जाएगा, जोड़ कर फाइनल मेधा सूची बनेगा। कक्षा 9 और 10 के लिए स्नातक व प्रशिक्षण में प्राप्त अंक सेम 40% निकाला जाएगा और यही बनेगा। तो अभी इस फॉर्मूले पर भर्ती होगी, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं तो ये गलत है। जो बच्चा है मेधा सूची में ज़्यादा नंबर ला कर भी उसके एकेडमिक रिकॉर्ड से उसका नहीं बन पाएगा रिजल्ट। तो खैर, ये तो गलत है ही, लेकिन अब जो है सो है। तो ये आप देख सकते हैं, इसी के लिए अपने एकेडमिक पर ध्यान दें। आगामी फ्यूचर के लिए मैं आपको वार्न करना चाहती हूँ कि अच्छे से पढ़े, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज है कि आप नहीं पढ़ोगे तो आपको मार्क्स नहीं देगा। खासकर पटना के कुछ कॉलेज तो ऐसे हैं, और बाकी जो है सो कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो नहीं पढ़ोगे तो भी मार्क्स देगा। तो खैर, देख लीजिए आपका किस कॉलेज में होता है, आपका लक। इसीलिए पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आगे जाकर भी आपको काम ही देने वाला हो। सीटेट है, बिना पढ़े आप पास करोगे नहीं। अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए। ये थी आपकी शिक्षक भर्ती में, क्योंकि आप बिना पढ़ने वालों का गुजारा नहीं होने वाला है। तो आई होप सो कि आपको ये न्यूज़ बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो बिल्कुल इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।